बोले चूड़िया बोले कंगना हाय में हो गई तेरी सजना। दोस्तों इस गाने को सुनने के बाद आपके जहन में भी अभिनेत्री काजोल की ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी खुशी कभी गम ही आई होगी, जो कि साल 2001 में रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, जिसमें जहां काजोल ने अपने फनी अंदाज से दर्शकों को खूब हंसाया था, वहीं इस फिल्म में नजर आने वाले बाल कलाकारों ने भी अपने क्यूट और नटखट अंदाज से दर्शकों को काफी एंटरटेन किया था, जिसकी वजह से दर्शक उन्हें काफी याद करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, काजोल के फिल्म कभी खुशी कभी गम का हिस्सा रहने वाले उसके बाल कलाकार आज काफी बड़े हो चुके हैं, जिनमें आज इतने बदलाव आ गए हैं कि शायद ही आप उन्हें पहली नजर पहचान पाए। तो इसलिए आज हम आपको फिल्म के उन्हीं बाल कलाकारों की आज से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर वन, मालविका राज। कभी खुशी कभी गम फिल्म में छोटी सी पूजा में सूट सलवार पहने अपने चंचल और मासूमियत बड़े अंदाज दर्शकों का दिल जीतने वाली बाल कलाकार है मालविका राज। और बात करें इनकी आज के बारे में तो बता दी आज अपनी 28 साल की उम्र पार कर चुकी है, जिसकी वजह से अब ये सिंपल सूट सलवार या स्कूल ड्रेस में नहीं बल्कि काफी स्टाइलिश कपड़ों में बेहद ग्लैमरस नजर आती है। बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो ये सिंगल है और वर्तमान में मुंबई में रहते हुए अपने करियर पर फोकस कर रही है, जिन्हें कुछ समय पहले स्क्वाड ऑफ फिल्म में देखा गया था। नंबर टू, काविश मजूमदार। फिल्म में ऋतिक रोशन के बचपन के किरदार लड्डू को पर्दे पर निभाने वाले बाल कलाकार है काविश मजूमदार, जो कि सब फिल्म में स्वेट शर्ट पैंट और कुर्ते पजामे में काफी गोलू मोलू से नजर आए थे। लेकिन बात करें इनकी आज की तो ये आज काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, पर आज भी ये काफी ज्यादा गोल मटोल से है। इसके साथ ही ये आज काफी स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। बता दें बीते सालों में इन्होंने आज भी अपने करियर को जारी रखा है और अब तक मैं तेरा हीरो और बैंक चोर जैसे फिल्मों में काम कर चुके हैं। नंबर थ्री, जिब्रान खान। इस लिस्ट में तीसरा नाम शुमार है जिब्रान खान का। जी हां, फिल्म में शाहरुख खान और काजोल के क्यूट से बेटे कृष्ण के किरदार को पर्दे पर निभाने वाले अभिनेता जिब्रान खान ही है। और बात करें जिब्रान खान के आज के बारे में तो ये आज 28 साल के हो चुके हैं, जो जहां फिल्म में शर्ट पैंट और क्यूट से हेयर स्टाइल काफी ज्यादा मासूम नजर आए थे, वहीं आज ये काफी ज्यादा स्टाइलिश और मॉडर्न नजर आते हैं, जिनका चेहरा अब मासूम के साथ ही काफी हैंडसम भी लगता है। बता दी आज भी सिंगल हैं और जल्द ही करण जौहर की फिल्म ब्रह्मास्त्र से बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। नंबर फोर, फरजान दस्तूर। जी हां, फिल्म में अशफाक मियां के भतीजे के रूप में फरजान दस्तूर भी इस फिल्म में नजर आ चुके हैं, जिन्हें फिल्म में शेरवानी और टोपी लगाए तारे गिनते देखा गया था। और वहीं बात करें इनकी आज की तो ये भी आज 30 साल के हो चुके हैं और पहले से कई ज्यादा गुड लुकिंग और चार्मिंग नजर आते हैं, जैसा कि इनकी ये तस्वीरें भी साफ बयां कर रही है। वहीं बता दें ये भी अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड दिलना श्रॉफ के साथ शादी कर चुके हैं और उन्हीं के साथ मुंबई में रहते हुए बतौर फिल्म डायरेक्टर और राइटर काम करते हैं। नंबर फाइव, आर्यन खान। फिल्म में राहुल के बचपन के किरदार को निभाने वाले बाल कलाकार है आर्यन खान, जिसमें इन्हें क्यूट से हेयर स्टाइल और टी शर्ट पैंट में काफी प्यारे अंदाज में देखा गया था। बात करें इनके आज के बारे में तो ये आज 24 साल के हो चुके हैं और दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम नजर आते हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपने स्टाइल को और भी ज्यादा इनहेंस कर लिया है, जिसकी वजह से इनकी पर्सनैलिटी बेहद ही डैशिंग लगती है। बता दें वर्तमान में सिंगल हैं और मुंबई में रहते हुए अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं। तो दोस्तों इन बाल कलाकारों के आज से रूबरू होकर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।